क्या नाम है आपका? अब्दुल मजीद। अब्दुल मजीद। मजीद। अच्छा, इस जगह जो आप इस वक्त है ना, ये बंगस वैली है जी। तो ये बंगस वैली हिंदवाड़ा के साथ मिलती है ना? हाँ बिल्कुल। तो श्रीनगर से कितनी दूर है ये? श्रीनगर से तकरीबन 150 किलोमीटर हो गया। 150 किलोमीटर श्रीनगर से दूर है तकरीबन। तो आप क्या यहाँ करते हैं काका? हम थोड़ा है बस ये दुकान चलाते हैं। दुकान चलाते हैं? हाँ, हर आने वाले टूरिस्ट की खिदमत करते हैं। अच्छा, खिदमत करते हैं टूरिस्ट। आप यहाँ कब आए? मैं अभी 10-15 दिन हो गए। 10-15 दिन हुए। कितनी दिन दुकान लगती है आपकी यहाँ? यहाँ 3 महीने लगती है। 3 महीने दुकान लगती है। अच्छा, आप यहाँ जो बेचते हैं उससे गुजारा होता है आपका? कोई खास गुजारा नहीं होता है, तो बहरहाल मानो बैठने का खर्चा तो निकल जाता है यहाँ। अच्छा, खाने पीने का बस। खाने पीने का खर्चा। कितने बच्चे हैं आपके? हमारे 4 बच्चे हैं यहाँ। 4 बच्चे हैं जी। कोई पढ़ाई करता है? पढ़ाई तो करते हैं। पढ़ाई करते हैं जी। हाँ। उनकी फीस वगैरह करते हैं, इनमें से गुजारा करते हैं जी। अच्छा अच्छा अच्छा, तो कब से ये काम आप कर रहे हैं? पिछले 4-5 साल से ऐसे ही, जब से ये टूरिस्ट थोड़ा चलने लगा यहाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, तो जब से यहाँ पे ये टूरिस्ट का ये सीज़न लगता है ना, तब से आप ये कर रहे हैं? जी जी। तो जो बच्चे आपकी पढ़ाई कर रहे हैं ना जी, किस स्कूल में कर रहे हैं? वो संजीपुरा जो हाई स्कूल है। संजीपुरा हाई स्कूल कहाँ पढ़ता है वो? अच्छा, मावर हिंदवाड़ा के साथ। जी जी। अच्छा अच्छा, वहाँ आपकी मकान है? जी हाँ। वो रहते भी वहीं हैं? रहते भी वहीं। अच्छा, कोई ज़मीन जायदाद वगैरह है आपकी? हाँ, वहाँ है कुछ थोड़ा सा। अच्छा, वहाँ है थोड़ी सी ज़मीन है? जी जी। अच्छा, ज़मीन वगैरह से क्या बोते हैं आप? वहाँ तो कुछ इतना फसल नहीं होता, खुश्की है हमारे पास, उसमें थोड़े पौधे लगाए हैं। पौधे लगे? मेवा, मेवे का पौधा है? मेवे का पौधा। वो पेड़ लगे हैं, मेवा निकलाता है? अभी छोटे ही। छोटे हैं? थोड़ा थोड़ा निकलता है। अच्छा अच्छा, थोड़ा थोड़ा निकलता है। अच्छा, आपका गुजारा मुश्किल से होता है? बड़ी मुश्किल से। बड़ी मुश्किल से होता है। तो फिर क्या कर लेते हैं? सरकार कोई आपकी मदद कर रही है? सरकार क्या मदद कर रही है? कुछ नहीं कर रही। कुछ नहीं। अच्छा, ये कोरोना बता रहे हैं, कोरोना है पेंडेमिक है, इसमें सरकार ने आपकी कोई मदद की या कोई इंजेक्शन वगैरह दवाई दी है आपको? अभी तक तो कोई नहीं दी है। कोई नहीं दी है अभी तक? तो कोरोना इंजेक्शन भी नहीं लगा है? कोरोना इंजेक्शन मैंने नहीं लगाया। वो आपने नहीं लगाया कि सरकार ने नहीं आपको दी? वो क्या बोलते हैं, हम एक दो तीन बार गए ना, तो वहाँ दवाई मौजूद नहीं थी, वो इंजेक्शन ही नहीं था मौजूद ना। आप मेरे को बताओ कहाँ गए थे आप कोरोना का इंजेक्शन लगाने? हिंदवाड़ा में गए 2 बार। हिंदवाड़ा गए थे 2 बार आप वैक्सीन लगाते? फिर आपको वैक्सीन नहीं मिला वहाँ पे? काला बोलते हैं, काला परसों। तो फिर हम यहाँ आ गए तो हिंदवाड़ा में आप बताए किस जगह पे गए आप? हिंदवाड़ा जो बड़ा अस्पताल है ना, बड़ा अस्पताल SDH हॉस्पिटल। कब गए थे आप? तकरीबन 1 महीना पहले। 1 महीना पहले गए थे आप? फिर तो उसके दिन 15 दिन फिर बाद गए। 15 दिन बाद फिर गए? बोला आ जाएगा। अच्छा, फिर मुझे टाइम ही नहीं आया। अच्छा अच्छा, ना ना, फिर गए नहीं आप? 3 बार 2 बार गए आप? तो आप इंजेक्शन नहीं लगी आप? फिर नहीं लगी। अच्छा, यहाँ है कोरोना की कहीं आपको नजर आ रहा है बीमारी है यहाँ कहीं? यहाँ तो मुझे नजर नहीं आती बीमारी, नहीं ऊपर मुझे कहीं नजर नहीं आया ऐसी बात है। अच्छा, सरकार कोई इमदाद आपको नहीं कर रही है? नहीं, कुछ नहीं। किस बात? अकाउंट में पैसा भी आ रहा था लोगों का? वो कुछ 2-2 हज़ार आ रहे हैं। 2-2 हज़ार आ रहे हैं? अच्छा, वो आ रहे हैं आपको? कुछ। अच्छा, ये मेरे को बताओ, ये 2-2 हज़ार आपको राशन वगैरह भी मुफ्त दे रहे हैं ना कई महीने का? हाँ, जब ऐलान होता है वो कुछ दे वो मिल रही। और क्या चाहिए आपको सरकार की तरफ से, इमदाद क्या चाहिए आपको? बस इमदाद करने वाला करे, ऊपर वाला। नहीं नहीं, और क्या चाहते हैं क्या आप सरकार से? हर कुछ देना चाहिए, हर कुछ इमदाद मदद करनी चाहिए, क्योंकि अच्छा। सरकार की जिम्मेदारी है जी अपनी आवाम तक पहुंचना और पहुंचाना। तो ऊपर वाले ऐलान तो करते हैं जी, ये पता नहीं चलता है आगे क्या होता है क्या नहीं होता है जी, पहुंच नहीं पाता है कुछ चीज़। अच्छा अच्छा अच्छा, पहुंच नहीं पाते हैं आपके पास कोई चीज़? सही है। हाँ, साल से कर रहे हैं। चलो, यहाँ दुकान लगाते हैं आप, पैसे वगैरह आप हासिल करते हैं, उनसे बच्चों की पढ़ाई होती है आप, और अपने आया अमली आपकी उसकी भी कफालत कर रहे हैं आप। हाँ, मुश्किल से गुजारा होता है। चलो ठीक है। हाँ, तो आपका मेरे को मजीद साहब ये बताओ, यहाँ हुकूमत किसकी है? अब ये कश्मीर है ना, किसकी हुकूमत है? आज तो किसी की नहीं है। आज की किसी की? गवर्नर राज है ना। अच्छा, आज गवर्नर राज है। चलो ठीक है, मैं सोचा कि आपको पता भी नहीं होगा कि यूटी है ये। अच्छा, यूटी है, दिल्ली के तहत में। अच्छा, दिल्ली के तहत में ये। अच्छा अच्छा है। खैर, हमें तो
अच्छा कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो ठीक है, चाहे यूटी रहे चाहे कोई भी रहे। अच्छा एक शान चलो मुझे तो चलिए, मुझे तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में आने का। शुक्रिया जनाब।